नमस्कार दोस्तों, में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर में हम एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे आप पहुंचे हैं। और इंग्लिश में ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज की थी, और अगला जो चैप्टर है हमारा वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो लगातार हम इसी तरह अपने एक एक कदम बढ़ाते हुए सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए है क्या। डायरेक्ट मतलब सीधा और इनडायरेक्ट मतलब रूप कहते हैं। तो जब हम कोई बात डायरेक्ट सीधा किसी से कहते हैं तो डायरेक्ट रहता है, जैसे कि तुम वहां जाओ, ये डायरेक्ट हो गया। और वही चीज अगर किसी दूसरे के द्वारा कि उसने कहा कि तुम जाओ, तो देखिए जैसे इसमें होता क्या है कि दो चीज होता है, ही से कामा इनडायरेक्ट कामा, यू आर उसने कहा कि तुम एक गेम खेल रहे। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए जो ये इन्वर्टेड कॉमा के आगे है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, और जो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जिस वाक्य में हमारा वर्ब रहता है वही रिपोर्टिंग वर्ब का काम करता है। जैसे इसमें जो सेड है वो सेड हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर आगे तो ये चीज है, इसको जो है हम ये हमारा इनडायरेक्ट है, इसमें है इनडायरेक्ट होने। और होता क्या है कि इसको जो है हमको बदलना रहता है। तो बदला कैसे जाता है, सबसे पहले नियम आप जान लीजिए। तो बदलने का केवल मेन नियम जो है वो है 123 बटे सन। ये इससे हमारा सब्जेक्ट बदलेगा, ठीक, इससे हमारा सब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, किसे 123 बटे सन से। इसका मतलब क्या है, देखिए 123 का मतलब है, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आई और बी, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन में केवल ही अकेला यू है, और तीन का मतलब हो गया थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का मतलब इट ही सी दे इट इज, मतलब आई वी और यू को छोड़ करके बाकी जितना भी चीज है वो सारा हमारा थर्ड पर्सन है। उसी तरह यस को यन का मतलब हो गया, यस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और यन का मतलब हो गया नो। इसका काम कहां पे है ये जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी केवल आप बेसिक जान लीजिए कि मतलब होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्टार्टिंग कहां से होती है। तो ये सब चीज आप जाने रहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदला जाता है, जैसे यहाँ पे ही है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जब यहाँ पे बदला जाएगा तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, इसको जब हम बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे। तो ये चीज हमारा 123 बटे सन से होता है। 123 बटे सन का मतलब कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा अर्थात आई और वी रहेगा तो ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फिर उसी तरह सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, मतलब अगर सेकेंड पर्सन रहेगा तो सेकेंड पर्सन मतलब अगर यू रहेगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फिर तीसरा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब अगर थर्ड पर्सन इसमें से कोई रहेगा तो उसको सेम टू सेम हम उतार देते हैं। ये चीज तो हमारा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलने का तरीका। दूसरी चीज हम टेंस बदलते हैं। टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं आर लिखा है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा किस टेंस में बदलेगा। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं, इसका हम चार्ट बनाते हैं। होता क्या है कि जो हमारा प्रेजेंट, जितना भी प्रेजेंट टेंस है सारा पास्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जितने भी प्रेजेंट टेंस है वो सारे पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज जो हमारा विल, शैल, कैन और मे है, विल का वुड में बदल जाएगा,
कैन का कुड में बदल जाएगा, सैल का सुड में बदल जाएगा, मे का माइट में बदल जाएगा। फिर अगला देखिए पास्ट में होता क्या है कि जो हमारा जैसे कि हमने बताया कि जितने भी प्रेजेंट टेंस है, जितने भी प्रेजेंट टेंस है देखिए वो सारे हमारे पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। जितने भी प्रेजेंट टेंस है वो सारे पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। जितने भी प्रेजेंट टेंस है वो सारे पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। और जो हमारा पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। और जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। ठीक, तो ये चार्ट है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जो टेंस बदलता है वो इस प्रकार से बदलता है। ठीक, अभी नॉर्मल चीज हम आपको बता रहे हैं, ये बेसिक है, अगर आपको ये चीज आता रहेगा तो आगे जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चीज देखिए कि अगर जो है निकटवर्ती जो हमारे रहते हैं, निकटवर्ती ये दूरवर्ती में बदल जाता है, निकटवर्ती दूरवर्ती में बदल जाता है। जैसे निकटवर्ती का मतलब क्या हुआ कि चलिए ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में फिर बताते हैं। तो इतना लीजिए, हमारा बेसिक है पार्ट वन, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, उसके बाद फिर हम पार्ट टू देंगे आपको। धन्यवाद।